वेलकम टू ईशानी वीडियोस। कुमकुम भाग्य के आने वाले एपिसोड में प्राची को अब यहाँ पर सबसे तगड़ा झटका लगने वाला है। रिया के मुंह से अपनी सबसे बड़ी बुराई और सबसे बड़ा सच सुनकर जहाँ पर रिया अपने दिल की सारी बातें खोल कर रख देगी कि आखिर में वो प्राची को क्यों मारना चाहती है और आखिर में उसी ने यहाँ पर प्राची को मारने के लिए भेजा था बाकी सभी गुंडों को, और उसके साथ साथ एक ऐसा कन्फेशन जो कि रिया और प्राची को पूरी तरह से अलग करके रख सकता है। और उसके साथ साथ प्राची के मन में अब यहाँ पर रिया के लिए जो भावनाएं आ रही थी वो सारी बिखर कर रह जाएंगी। दूसरी तरफ अब यहाँ पर रणवीर का झुकाव प्राची के ऊपर होते हुए देखकर रिया और भी ज्यादा भड़कने वाली है। रिया का यहाँ पर काफी ज्यादा भड़कना अब यहाँ पर उसी के लिए काफी ज्यादा बुरी बात बनने वाला है। साथ ही साथ आलिया भी अब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर प्राची एक ऐसा अवतार दिखाने वाली है जिसके बाद में पूरी तरह से कहानी बदल कर रह जाएगी। रणवीर और प्राची अब यहाँ पर एक होते हुए नजर आएंगे। प्राची का यहाँ पर जबरदस्ती वाला लुक अब आपको देखने को मिलेगा, लेकिन कैसे और क्या होगा खास जल्दी से सारी बातें आपको बताते हैं इस वीडियो के अंदर। लेकिन उसको बताने से पहले आप सब एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमें अप्रिसिएशन मिले और हम आपको ऐसे ही रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट हमेशा प्रोवाइड कराते रहे। आने वाले एपिसोड में अब यहाँ पर रणवीर प्राची को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पर चिंतित होगा कि आखिर में यहाँ पर प्राची कैसी है और प्राची क्या ठीक है या फिर नहीं, और प्राची को रखा कहाँ गया है इसके बारे में रणवीर डॉक्टर से पूछते हुए नजर आएगा। डॉक्टर्स जवाब तो दे देंगे, लेकिन यहीं पर होगा एक सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब यहाँ पर इतना ज्यादा यहाँ पर केयर और काफी ज्यादा यहाँ पर प्राची के बारे में ख्याल देखकर अब यहाँ पर रिया की सटकने वाली है, यानी कि पहले से वो पागल है ही है और उसके बाद में और भी ज्यादा पागलपन उसका दिखेगा आपको। आपको देखने को मिलेगा कि अब यहाँ पर रिया जाती है प्राची के पास में। प्राची को थोड़ी बहुत यहाँ पर नींद सी आ रही होती है, वो थकी होती है, जिसके बाद में अब यहाँ पर प्राची को धीरे धीरे करके उसके होश आ रहा होता है। अचानक से यहाँ पर रिया उसके सामने जाकर सारी अपनी सच्चाई बोलने लग जाती है और उसके साथ साथ यहाँ पर वो बताती है कि आखिर में उसने ही निक को भेजा था मारने के लिए, जिसके बाद में प्राची पहली बार सुनती है और चौंक जाती है कि आखिर में निक को भेजा गया था प्राची को मारने के लिए, और उसके साथ साथ यहाँ पर सारा इल्जाम उसके ऊपर आ गया और यहाँ पर जो जितने भी हमले हुए हैं वो सब रिया ने ही करवाए हैं। और उस बार यहाँ पर जो उसका एक्सीडेंट हुआ था उससे पहले ही रिया खुद जा रही थी उसका एक्सीडेंट करने और तभी यहाँ पर किसी और ने उसका एक्सीडेंट कर दिया, ऐसा यहाँ पर रिया बोलते हुए नजर आएगी प्राची को। और ये बातें सुनते ही प्राची चौंक जाएगी और उसके साथ साथ आने वाले एपिसोड में प्राची एक काफी ज्यादा बड़ा दृढ़ संकल्प लेगी कि आखिर में अब यहाँ पर रिया के हाथों में रणवीर को नहीं जाने दूंगी, अपना प्यार और अपना सब कुछ यहाँ पर मैं रणवीर को दिखाऊंगी, जिसके बाद में अब यहाँ पर रणवीर मेरी तरफ ही आएगा और उसके साथ साथ अपने यहाँ पर दिल की सारी बातें रणवीर के सामने खोल कर रख दूंगी। और इसी बात का डर था जो कि अब होते हुए दिखाई दे रहा है। रिया अब यहाँ पर और भी बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएगी, लेकिन यहाँ पर उसके लिए सबसे बड़ा खतरा रणवीर बनते हुए नजर आएगा। कैसे वो आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिल जाएगा, तो आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं रणवीर और प्राची की एक बार फिर से एक तरह से अलग तरह से जुड़ी देखने के लिए कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। थैंक यू।